Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is British relations with and subjugation of the principal Indian powers. और हमने देखा था इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि कौन कौन से जो लेटर मुगल्स आए थे और कैसे अंडर द लेटर मुगल्स काफ़ी ज़्यादा रीजनल स्टेट्स राइज हुए थे और लेटर उसको ब्रिटिश ने सब्जुगेट किया था. ओके तो हमने फर्स्ट बहादुर शाह फर्स्ट को कम्प्लीट किया था जो कि फर्स्ट लेटर मुगल थे. आफ्टर दैट जहानदार शाह और इनका जो टाइम पीरियड है दैट इज 1712 से 1713. नाउ अगर हम इनके बारे में करें तो बेसिकली ही कैप्चर द थ्रोन आफ्टर लिक्विडेटिंग हिज थ्री ब्रदर्स. अपने थ्री भाइयों को हरा के बेसिकली उन्होंने ये थ्री उनको कैप्चर किया था और इसमें जो उनकी हेल्प करी थी वो बहुत ही फेमस नाम है दैट इज जुल्फिकार खान. ठीक है. ऑन द अदर हैंड जो जुल्फिकार खान थे वो कैसे एक्ट कर रहे थे, वो एक्ट कर रहे थे एज ए डी फैक्टो रूलर दैट इज द रियल पावर बिहाइंड द कर्टेन ऑफ रूलर. ओके दिस वॉज इन फैक्ट अब यहां से अगर हम देखें तो ये बिगनिंग हो गई थी दैट इज द प्रैक्टिस ऑफ नॉबल्स एक्टिंग एज अ किंग मेकर्स दैट इज जो भी नॉबल्स अपॉइंट किए जाते थे कोर्ट में वो कैसे एक्ट करते थे अब इस टाइम में स्टार्ट हो गया था दैट इज एक्टिंग एज किंग मेकर्स. किंग मेकर्स. ओके नाउ ही वॉज डोमिनेटेड बाई हिज मिस्ट्रेस दैट इज द जहानदार शाह वॉज डोमिनेटेड बाई हिज मिस्ट्रेस लाल कुंवर. ठीक है. एंड हु इज सेड टू हैव इमिटेटेड द स्टाइल ऑफ नूरजहां जो कि बेसिकली क्या करना चाह रही थी, वो इमिटेट करना चाह रही थी स्टाइल ऑफ नूरजहां. इन्होंने दैट इज जहानदार शाह ने टाइटल दिया था दैट इज द मिर्जा राजा को, सॉरी मिर्जा राजा टाइटल दिया था टू जय सिंह ऑफ मालवा एंड महाराजा टाइटल दिया था अजीत सिंह को ऑफ मारवार. बेसिकली जो टाइटल्स का जो देने का जो कॉन्सेप्ट था उसमें यही था कि कैसे पार्टीज को आप अपीस करो, कैसे खुद खुश रख सको. ओके इन्होंने भी बहादुर शाह की तरह ग्रांट किया था मराठास को चौथ एंड सरदेशमुखी अब हमने देखा था कि जो बहादुर शाह थे उन्होंने सरदेशमुखी तो ग्रांट कर दिया था मराठास को इन द डेक्कन बट नाउ जहानदार शाह ने और अपीस करने के लिए चौथ भी उनको ग्रांट कर दी गई थी बट इट हैड टू बी कलेक्टेड. बस ये बोल दिया था कि लेकिन ये जो चौथ एंड सरदेशमुखी है ना ये आप डायरेक्टली कलेक्ट नहीं करोगे, ये कौन कलेक्ट करेगा आपके बिहाफ पे दैट इज द मुगल ऑफिसर और फिर वो क्या करेगा आपको हैंडेड ओवर कर देगा टू द मराठास ऑफिशियल के लिए. ओके नाउ इन्होंने क्या किया था बेसिकली जहानदार शाह ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिकली अगर हम देखें दैट इज रेवेन्यू फार्मिंग और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को इन्होंने काफ़ी प्रमोट किया था, एनकरेज किया था दैट इज द इजारा ये जो वर्ड है और ये इंडिकेट करता है दैट इज द रेवेन्यू फार्मिंग एंड और बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के कुछ भी आप कह सकते हो उसको फार्मिंग. एट द सेम टाइम ही वॉज ऑल्सो नोन बेसिकली उन्होंने क्योंकि अबॉलिश कर दिया था जजिया. ओके नाउ अगर हम देखें ही वॉज द फर्स्ट, ये इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हो जाती है दैट इज ही वॉज द फर्स्ट मुगल एम्परर दैट इज टू बी किल्ड जिनको और बेसिकली जो मरे थे इन द कैप्टिविटी बाय द टू सैयद ब्रदर्स. बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम आ गया इट इज बिकॉज यहाँ पे अब नोबल्स कैसे कर रहे हैं किंग मेकर्स सैयद ब्रदर्स और ये जो इंपॉर्टेंट सैयद ब्रदर्स के जो नाम है दैट इज द अब्दुल्ला खान एंड हुसैन अली. नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे लेटर मुगल्स दैट इज द फारूख शेर और इनकी जो रेन है ये काफी इंपॉर्टेंट है. ओके So if you like this video, please do like, share and subscribe and thank you very much for watching this.